अबू बकर अंसारी कहते हैं, बड़ा कीमती वाकया है। हज के लिए गया और जो कुछ थोड़ा सामान था, हज गुजरने के बाद थोड़े दिन रहना चाहता था मक्के में, यहाँ तक कि फ़ख्र फाका हो लेना, हत्ता कि रात दिन सोच रहा था कि अल्लाह कोई इंतज़ाम कर दे, सिवाय जमजम के कुछ नहीं मिलता था। हर दिन सोच रहा था कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कोई ना कोई पुराना साथी मिल जाएगा, कोई ना कोई कुछ दे देगा, लेकिन हिजाब माने था कि कुछ मांगू, ये मेरे दिल को गवारा नहीं था कि मैं किसी से कुछ मांगू। मैं सिर्फ अल्लाह पे भरोसा किए हुए था कि अल्लाह कोई ना कोई इंतजाम कर देगा। यहां तक कि एक मरतबा मैं यही सोच में जा रहा था कि एक थैली पड़ी हुई भी मिली और मैंने उस थैली को उठा लिया, घर में लाया, देखा तो ये कीमती तरीन हार, ऐसे लग रहा था कि शायद बहुत कीमती है। और मेरा दिल अंदर से कहने लगा, देख तू कई दिनों के फाके से है, इसमें से एक दो तीन हीरे निकाल के कहीं बेच दे और अपनी जिंदगी गुजार ले तो शायद अल्लाह माफ कर दे। लेकिन इधर तरफ मेरा ईमान कह रहा था कि ना 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 ना, तू जो कुछ भी किया उसका सवाब अल्लाह के पास है, ये चीज करना गलत है। मैं वो खैली ऐसे ही घर में रख दिया, फिर निकल गया। फिर निकल के जा रहा था तो ये एक बूढ़ा शख्स ऐलान कर रहा था कि मेरी थैली गुम हो गई है और उसमें बहुत कीमती माल है, अगर कोई दे दे तो मैं उसको 100 दिरहम दूंगा। अब मैं उस बूढ़े के पास गया और पूछा कि देखो वो थैली ऐसी थी? कहा क्या ऐसी थी? नीचे ऐसा पट्टा लगा? हाँ हाँ। उसका हैंडल ऐसे था? हाँ हाँ। कहा कि वो थैली मेरे पास है। वो बूढ़ा फर से हैरत से देखने लगा, कहा कि कहाँ है? मैंने कहा कि आओ। मैंने लेके गया अपने कमरे में और वो थैली बता, ये थैली बता रहे थे ना तुम? हाँ यही थैली। कहा कि लो ये थैली मुझे पड़ी हुई मिली, ले लो। अब वो खोल के जल्दी जल्दी देख लें, खाली थैली तो नहीं दे रहा, अंदर का सामान रख के जल्दी जल्दी खोला, देखा तो बिल्कुल वही हार जो हार वो कह रहा था वो हार अंदर मौजूद है। वो फर्ते मुसर्रत से उठा के लिपटा लिया और कहा कि बेटा तुम्हारी अमानतदारी पर मैं इतना खुश हूं कि मैं 100 नहीं तुम्हें 500 दीनार देना चाहता हूं, ले लो। और इधर फाके का ये आलम है, अबू बकर अंसारी कहते हैं कि मेरा ये हाल था कि एक एक दिरहम मुझे कीमती था ताकि मुझे खाने को कुछ मिल जाए, लेकिन जब वो देने लगा तो मेरी गैरत ईमानी जोश में आई। मैंने कहा कि नहीं, ये काम मैंने सिर्फ अल्लाह के लिए किया है, मैं कुछ नहीं लूंगा। अब वो बूढ़ा शख्स मिन्नत समाजत करने लगा, कहा कि नहीं तुम्हें कुछ लेना ही होगा। वो मैंने कहा कि हरगिज नहीं, मैं इसका इवज सिर्फ अल्लाह से लेना चाहता हूं, आपसे लेना नहीं चाहता वरना मेरा सवाब कम हो जाएगा। यहां तक कि वो बूढ़ा अफसदार आप नहीं लिए, लेकिन एक तरफ खुश खुश निकल गया। फिर जमाना गुजर गया, यहां तक कि क्या है, अल्लाह ने मुझे कुछ अता किया, मैं समंदर का सफर किया और कश्ती टूट गई। फिर इसके बाद जाके मैं एक ऐसे जजीरे में उतरा जहां पर कुछ मुसलमान नजर आए। मैं जाके मस्जिद में कुरान की तिलावत करने बैठ गया तो लोग आए, कहा कि आप कुरान जानते हैं? कहा कि माशाल्लाह मैं हाफिज कुरान हूँ। कहा कि हमारी इमामत कर दीजिए। अब कहाँ से आए हैं? कहा कि मैं तो क्या है, निकला था किसी सफ़र की, लेकिन पूरा किश्ती का मामला ऐसे हुआ टूट गई और आज मैं बिल्कुल क्या है हालात का शिकार हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। कहा कि यहीं रह दीजिए, यहीं इमामत कीजिए, और आपको लिखना आता है? कहा कि हाँ मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, तो बच्चों को यहाँ की पढ़ाई है, हम आपकी पूरी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ अरसा गुजरा तो लोगों ने कहा कि आपके नेक अखलाक, आपका किरदार, ये सब देख के हमारे बड़े लोगों ने फैसला किया है कि हमारी सबसे बड़े सरदार की बेटी आपके निकाह में दे दी जाए। कहा कि सरदार हैं? नहीं, सरदार तो क्या है गुजर गए, लेकिन उनकी बेटी के जिम्मेदार लोग हैं, वो आपकी शादी करना चाहते हैं। पहले तो मैंने इनकार किया, फिर बाद में क्या है राजी हो गया और शादी हो गई। शादी के बाद जब हम खलवत में मिले तो मैंने देखा कि वही हार उसके गले में है जिस हार को मैंने वो बूढ़े शख्स को दिया। मैं हैरत से देखने लगा, ये क्या माजरा है, आज से कई साल पहले जिस हार को मैंने बूढ़े से लौटा दिया और एक पैसा भी नहीं लिया, आज वो हार और हार वाली के साथ अल्लाह ने मुझे दे दिया, ये क्या माजरा है, ये वही तो नहीं, मैं धोखा खा रहा हूं। तो बीवी ने जब देखा कि उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, हार ही की तरफ देख रही, तो बीवी ने कहा गुस्से से कि हार से ज्यादा हार वाली खूबसूरत है, जरा मुझे भी देखो। कहा कि मैं असल में क्या है तुमसे इल्तिफात नहीं किया, नहीं, मसला यह है कि इस हार के पीछे एक वाकिया है, शायद मैं वही वाकिया याद आ गया जिसकी वजह से मैं देख रहा था। पूछा क्या वाकिया? कहा कि एक बूढ़ा शख्स मुझे हज के अय्याम में मिला, उसके पास यही हार था और मैंने उसको बगैर कोई एवज के वापस लौटा दिया। क्या वो तुम्हारे बाप थे? वो बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। कहा
अल्लाह की कसम वो मेरे बाप थे और ये हार वही है। वो आने के बाद रो रो के दुआ करते थे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उस नौजवान को साथ में क्यों नहीं लाया, अगर आज वो नौजवान मुझे मिल जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह उससे कर दूंगा। और दुआएं करते थे कि ऐ अल्लाह किसी ना किसी तरह उस बच्चे को भेज दे। अल्लाह ने दुआएं कबूल कर ली और आज हार भी तुम्हारा, हार वाली भी तुम्हारा। सच्चाई ईमान की दौलत देखो। फिर कहते हैं कि अबू बकर अंसारी कुछ दिन हुए मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजार रहा था, यहाँ तक कि मेरी बीवी भी इंतकाल कर गई, उसके साथ दो बच्चे हुए, दो बच्चे भी इंतकाल कर गए और उन सब का वारिस अकेला मैं ठहरा और वो पूरा हार मेरा था। और उस हार की कीमत पूछने के लिए मैं अपने दुकानदारों के पास, जौहरियों के पास गया तो 1 करोड़ दीनार में फ़रोख्त हुई, जिसकी वजह से आज तुम देख रहे हो कि ये सब मदरसा का काम, इतना बड़ा काम लेके मैं उठा हुआ। ईमानदारी, हजारों किस्से हैं कि यही ईमान है हमारा।